तो आज हम लेक्चर नंबर 10 अटेंड करने वाले जिसमें सीएसएस थ्योरी का आउटलाइन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी भी एलिमेंट का बॉर्डर से बाहर जो एक और भी लाइन हमें क्रिएट करना हो तो आउटलाइन प्रॉपर्टीज को हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो रेड कलर है वो बॉर्डर है, और बॉर्डर जो मैंने राइट किया उसके बाद से भी मुझे एक और लाइन क्रिएट करना है तो आउटलाइन प्रॉपर्टीज को मैं यूज कर सकता हूँ। तो देखिए, जो ब्लू कलर से जो बॉर्डर यहाँ पे आ रहा है वो आउटलाइन से आ रहा है, जो कुछ बॉर्डर के जैसे ही है। बॉर्डर हम डिफाइन करते हैं, उससे बाहर से एक और हमें लाइन क्रिएट करना हो तो हम लोग आउटलाइन को यूज करते हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि मैंने डिव एलिमेंट को सिलेक्ट किया हूँ, और यहाँ से पहले मैंने बॉर्डर विथ 1 पिक्सल राइट कर दिया हूँ, और बॉर्डर स्टाइल सॉलिड राइट कर दिया, और बॉर्डर कलर रेड राइट कर दिया। जो यहाँ पे इसका आउटपुट आप देख सकते हो, जो बॉर्डर का प्रॉपर्टीज वैल्यू डिफाइन किया हो तो उससे यहाँ पे ए आ रहा है, तो वहाँ पे ये बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद जानते हैं आउटलाइन को कैसे राइट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आउटलाइन विद राइट किया हूँ, जो बॉर्डर के जैसे ही, सिर्फ उससे पहले बॉर्डर को हटाकर आउटलाइन हमें राइट करना है। तो आउटलाइन विद 1 पिक्सल, आउटलाइन स्टाइल सॉलिड, आउटलाइन कलर ब्लू, जो देख सकते हैं आप सेम टू सेम बॉर्डर के जैसे ही हमें राइट करना है। यहाँ पे मैंने डिव एलिमेंट को राइट कर दिया, और उसमें कोड शिक्षा कॉन्टेंट राइट कर दिया, जो यहाँ पे सिलेक्टेड है डिव एलिमेंट, और उसमें मैंने टास्क परफॉर्म किया। तो यहाँ पे आउटपुट आप देख सकते हो, जो मैंने बॉर्डर राइट किया उसका कलर रेड, तो यहाँ पे बॉर्डर रेड आ चुका है, 1 पिक्सल उसका विद है, और आउटलाइन ब्लू राइट किया हूँ तो यहाँ पे ब्लू है और उसका विद 1 पिक्सल है। तो बॉर्डर को कैसे राइट करना है वो पिछले वीडियो में आप समझ चुके हो, और आउटलाइन को कैसे राइट करना है वो इस वीडियो में आप समझ चुके हैं। दोनों सेम टू सेम है, उतना कुछ फर्क नहीं है, बस उसमें बॉर्डर राइट करते थे और इसमें आउटलाइन हमें राइट करना है। तो यहाँ पे कुछ उसका प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू है। तो आउटलाइन विद से हम इसका विद डिफाइन करेंगे, आउटलाइन स्टाइल से हम इसका स्टाइल डिफाइन करेंगे, जो उसका वैल्यू सारा यहाँ पे रिटेन है, और आउटलाइन कलर से उसका कलर डिफाइन करेंगे, जो नेम हैक्स और आरजीबी से डिफाइन कर सकते हैं, और ये आउटलाइन ऑफसेट है। तो ये क्या है मैं अब इसको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेड कलर बॉर्डर है और आउटलाइन बाहर से है, तो इस रेड कलर बॉर्डर और ब्लू कलर आउटलाइन के बीच में कितना गैप हमें देना है तो आउटलाइन ऑफसेट से हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वहाँ पे 5 पिक्सल डिफाइन किया, यहाँ पे 5 पिक्सल क्रिएट हुआ है स्पेस दोनों के बीच में, तो इसी तरह से हम करेंगे। तो आप जानते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज को, तो आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज को यूज करना तो आप जान ही चुके हैं। वहाँ पे हम बॉर्डर में सिर्फ बॉर्डर राइट करते थे, यहाँ पे आउटलाइन में सिर्फ आउटलाइन राइट करते, और उसका तीनों प्रॉपर्टीज का वैल्यू यहाँ पे राइट कर देता है, जो फर्स्ट है विड्थ के लिए, मीडियम है स्टाइल के लिए, और लास्ट है कलर के लिए। तो चलिए आप इसको प्रैक्टिकल सेशन में अचीव करते हैं। सबसे पहले आपको नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेना है, और उसमें HTML का सारा स्ट्रक्चर राइट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने डिव एलिमेंट राइट करा, और उसमें कोड शिक्षा टेक्स्ट राइट कर दिया हूँ। यहाँ से मैं डिव एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, पहले मैं शॉर्ट हैंड बॉर्डर प्रॉपर्टी से यहाँ राइट कर देता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड रेड, फिर इसको मैं सेव करता हूँ, और यहाँ से देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए, इस डीप पे सिर्फ बॉर्डर अभी लागू है, इस पे मैं अब आउटलाइन परफॉर्म करता हूँ। आउटलाइन विड 5 पिक्सल राइट करूंगा, और आउटलाइन स्टाइल नॉन राइट करता हूँ, आउटलाइन कलर मैं यहाँ से ब्लू राइट करता हूँ, और यहाँ से सेव करता हूँ। तो देखिए, रिफ्रेश करने से यहाँ पर सिर्फ बॉर्डर ही आ रहा है, आउटलाइन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है चलिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आउटलाइन स्टाइल में मैंने नॉन राइट कर दिया। नॉन का मतलब क्या है कि हमें इस पे आउटलाइन लागू नहीं करना है, और बाय डिफॉल्ट इस पे आउटलाइन नहीं रहता है, और यहाँ पे मैंने राइट भी कर दिया कि मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ, और यहाँ से मैं सॉलिड वैल्यू राइट करता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने रिफ्रेश करा तो आउटलाइन अब लागू हो चुका है। अंदर से जो रेड कलर है वो बॉर्डर है, और बाहर से जो ब्लू कलर से वो आउटलाइन है। अब मैं इन दोनों के बीच में स्पेस क्रिएट करना चाहता हूँ, तो हमें आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टीज को राइट करना होगा। तो देखिए, आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टीज को मैंने राइट करा, उसका वैल्यू 1 पिक्सल राइट कर दिया हूँ। यहाँ से मैं सेव करता हूँ। देखिए, मैंने जैसे रिफ्रेश करा तो दोनों के बीच में 1 पिक्सल का गैप आ चुका है। तो आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल इसी तरह से हम कर सकते हैं कि दोनों के बीच में हमें गैप क्रिएट करना हो। अब इसका सारा आउटलाइन स्टाइल वैल्यू लागू करते हैं, जो सेम टू सेम बॉर्डर स्टाइल के लिए हमने लागू किया था, इसमें भी वही परफॉर्म होता है, फिर भी हम जान लेते हैं। इसके बाद डैश है, मैंने डैश राइट किया, यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए डैश में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद है डॉटेड, जो डॉटेड मैंने यहाँ से सेव करा, और यहाँ से मैं रिफ्रेश कर देता, तो देखिए डॉट के फॉर्म में आ चुका है इसका आउटलाइन। यहाँ से मैं आउटलाइन ऑफसेट थोड़ा और दे देता हूँ, 2 पिक्सल में यहाँ से राइट करता हूँ। इसके बाद है ग्रुप, ग्रुप मैंने राइट किया, और यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए ग्रुप में चेंज हो चुका है आउटलाइन। तो आप सोचते हो कि इतना फास्ट भी पढ़ा रहे, तो ये सारा का सारा बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टीज जो मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में वो सेम टू सेम है, तो आप लोग उसे पढ़ चुके हो, तो इसलिए मैं इसमें सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करके मैं दिखा रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके वो वीडियो पहले देख लीजिए बॉर्डर प्रॉपर्टीज के बारे में, फिर ये वीडियो आप देख लेना तो अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसके बाद है इनसेट, इनसेट मैंने राइट करा, फिर यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए इनसेट लागू हो चुका है। तो इनसेट में क्या है कि इसका कलर ऊपर से आपको डार्क दिखने में लग रहा है, और नीचे से लाइट दिखने में लग रहा है, तो इनसेट में इसी तरह से क्रिएट होता है इसका आउटलाइन। अब मैं यहाँ से आउटसेट इसका वैल्यू राइट करता हूँ, फिर यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए आउटसाइड में क्या है
कि जो इनसाइड में ऊपर की तरफ डार्क था तो आउटसाइड में नीचे की तरफ डार्क आ चुका है, इसका डिफरेंस बस यही है। इसके बाद मैं रीच इसका वैल्यू राइट करता हूँ, फिर यहाँ से मैं सेव करता हूँ, फिर रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैंने रिफ्रेश करा तो रीच में इस तरह से आपको आउटलाइन देखने को मिल रहा है, जो रीच है सेम टू सेम ग्रुप के जैसा ही। तो अब यहाँ से देखिए हमने सारा लगभग पढ़ चुका है, जैसे नॉन सॉलिड डॉटेड ग्रुप रीच इनसेट आउटसेट डबल और हिडन अभी बाकी है, इसको अब लागू करता हूँ। तो यहाँ से मैं हिडन इसका वैल्यू राइट किया और यहाँ से मैं सेव करता हूँ। अब यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, जैसे नॉन में इस पर कुछ नहीं दिखता है तो हिडन में भी कुछ नहीं दिखता, हिडन का मतलब वही इसे हाइड करना है। तो अब डबल इसका वैल्यू राइट करते हैं इसमें, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करा तो जो आउटलाइन है वो डबल लाइन में आ चुका है। तो हम लोग कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं आउटलाइन क्रिएट करने के लिए। तो चलिए आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं सारा आउटलाइन प्रॉपर्टीज को इरेज करता हूँ और सिंपली यहाँ से आउटलाइन राइट करूंगा, फिर यहाँ से मैं 5 पिक्सल राइट करता हूँ आउटलाइन विड्थ के लिए, फिर यहाँ से मैं डबल राइट करता हूँ आउटलाइन स्टाइल के लिए, यहाँ से मैं कलर ग्रीन राइट कर देता हूँ, यहाँ से मैं सेव करता हूँ, फिर देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज अब लागू हो चुका है, जो डबल उसका स्टाइल राइट किया था डबल आ चुका है, और कलर ग्रीन राइट किया था तो ग्रीन में आ चुका है, और 5 पिक्सल उसका विड्थ आ चुका है। तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज को भी इस्तेमाल करना जान चुके और आउटलाइन का जितने भी प्रॉपर्टीज वैल्यू था उसको भी इस्तेमाल करना हम लोग सीख चुके। और यहाँ से मैं ढेर सारा एलिमेंट क्रिएट करता हूँ और उस पर जितने भी आउटलाइन स्टाइल का वैल्यू है सारा मैं इंप्लीमेंट करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ से मैंने ढेर सारा एलिमेंट क्रिएट किया और सारे में मैं आउटलाइन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज को राइट कर दिया और उसका विड्थ 5 पिक्सल ऐड कर दिया, और लाइन बाय लाइन आउटलाइन स्टाइल का जो भी वैल्यू मैंने ऐड कर दिया और उसका कलर ब्लू ऐड कर दिया, और यहाँ से डीप को मैंने सिलेक्ट कर लिया हूँ, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, मार्जिन टॉप जैसे ऊपर से मैंने 20 पिक्सल नीचे की तरफ खिसका दिया हूँ, बॉर्डर 5 पिक्सल, सॉलिड रेड यहाँ से राइट कर दिया हूँ। अब मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ से देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश करने से कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और देखिए आउटलाइन स्टाइल का जितने भी वैल्यू था सारा मैं यहाँ पे परफॉर्म करा चुका हूँ। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं आउटलाइन को कैसे परफॉर्म कराना है और आउटलाइन का सारा वैल्यू और प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोग समझ चुके। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू।